हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन J6 2021 के विंडशील्ड की वाइब्रेशन एंड नॉइस इशू के बारे में। इफ़ यू फेसिंग प्रॉब्लम लाइक दिस, देन दिस इज द वीडियो व्हिच यू मस्ट नीड टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपके कोई सर्विस सेंटर या कोई मैकेनिक शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग एनी सर्विस सेंटर। शायद रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में भी इस प्रॉब्लम की कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आई हैव विजिटेड 2 times रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर रिगार्डिंग दिस इशू, बट दे कुडंट गिव मी एनी प्रॉपर सोल्यूशन ऑन इट। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग एनी सर्विस सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट थ्रीटिंग्स, आपको एक सीजर, एक स्क्रू ड्राइवर जो कि आपकी बाइक के बेसिक टूल में ही है, और एक सही आपकी कार या बाइक पुराना ट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और ये हम लिया है स्क्रू ड्राइवर, हम इससे इस काम को शुरू करते हैं। ये है 2 स्क्रू और यहाँ पे भी 2 स्क्रू है। इन 4 स्क्रू को हम निकालना पड़ेगा और निकाल के इस विंडशील्ड को हम निकाल के नीचे रख देंगे और उसके ऊपर काम शुरू कर लेंगे। यह है बाइक की विंडशील्ड, तो सारा स्क्रू हम निकाल लिया है और इसे हम हटाते हैं। हटा के नीचे ठीक से रखना पड़ेगा और ये है उसका सार स्क्रू। और इस सार स्क्रू को आप ठीक से रखिए, अगर ये एक बार खो गई तो आप इस स्क्रू को मिलना मुश्किल है, क्योंकि सर्विस सेंटर में भी इस स्क्रू को आप नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको सावधानी से ठीक से रखिए। अब हम विंडशील्ड निकाल लिया है और आप ये देख लीजिए, यह है मेटल प्लेट, आप देख रहे हो यह है मेटल प्लेट। इसके ऊपर विजिल को रखा जाता है और इन दोनों होल में स्क्रू को टाइट किया जाता है। इस साइड में भी आप देखिए, यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट है, यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगाने की होल है और इसके ऊपर आप विजिल को लगाते हैं और उसके ऊपर स्क्रू टाइट करते हैं। लेकिन आज हम उसके लिए इस मेटल प्लेट के मेजरमेंट में ही दोनों साइड के लिए एक एक 2 ट्यूब बनाएंगे। आप देख लीजिए, ये दोनों ट्यूब बना लिया है हमने पहले ही, क्योंकि ये वसार की तरह काम करेगा। आप देख लीजिए इस तरह से इसको फिट करना है। इसके में इसको ठीक से मेजरमेंट कीजिए और ये स्क्रू लगाने के लिए इन दोनों में आप देख लीजिए, ये दोनों होल कीजिए जो कि स्क्रू इसको लगाना पड़ेगा। उस साइड के लिए भी हमने बना लिया है दूसरा, आप देख लीजिए ये उस साइड के लिए दूसरा बना लिया है। इसके लिए भी हम देख लेंगे ये कैसे फिट होती है। और ये है उसके लिए, देख लीजिए ये भी उसके इस मेटल प्लेट के हिसाब से ही बना लीजिए। यहाँ पे भी है एक होल और यहाँ पे भी एक होल, 2 होल बना लीजिए जहाँ पर हम स्क्रू टाइट कीजिएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे विंडशील्ड और इसके ऊपर लगाएंगे हम स्क्रू और हम करेंगे टाइट। तो आप देखते रहिए वीडियो को हम कैसे टाइट करते हैं। अब हम लगा चुके हैं विंडशील्ड और आप फिर से देखिए, ये मेटल प्लेट और ये है विंडशील्ड। इस बीच में मेटल प्लेट और इस विंडशील्ड के बीच में आप इस वॉशर को फंसा लीजिए जहाँ हमने पहले बना लिया है और इसके ऊपर उसको लगा कर टाइट कीजिए। दूसरे साइड में भी आप इसी तरह से इस विंडशील्ड और इस मेटल प्लेट के बीच में आप देख चुके हैं, हमने इस वॉशर को बाइक जगह के पुराने ट्यूब का फंसा लिया है और उसके ऊपर हम टाइट करेंगे स्क्रू।
और आप हो चुकी है सारो स्क्रू टाइट, और ये सारो स्क्रू हम टाइट कर चुके हैं। आप बाइक को चला के देखिए, आप भी इस तरह से अपने बाइक के ऊपर काम करके अपने बाइक की विंडशील्ड की नॉइस एंड वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वीडियो देख के कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए इन दोस्तों को जिन्होंने भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और अभी तक उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो हैव अ नाइस डे, बाय।